morning class. How are you? I hope you are well at your home. Hope you are enjoying. Hope you are studying. है ना? So let's start our class. So class 8, आज हम पढ़ेंगे second chapter, that is microorganisms friend and foe. What they are saying? A number of organisms, whether they are small or big, can be observed easily with naked eyes. बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, वो हम हमारी आंख से देख सकते हैं, है ना? लेकिन देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आई. लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं. दे कैन बी सीन ओनली वेन दे आर मैग्नीफाइड. उनको या तो हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं या फिर ऐसे इक्विपमेंट्स हो जिनमें हम उन ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. द साइंटिस्ट हैव मेड यूज ऑफ माइक्रोस्कोप्स टू ऑब्जर्व देम. तो साइंटिस्ट ने क्या बनाए? माइक्रोस्कोप्स बनाए जिसमें हम उनको देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप्स ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशंस हैव बीन यूज टू ऑब्जर्व द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. ओके, सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आईज एंड कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप. ओके, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते उनकी स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ओके, अब क्या बोल रहे हैं वो? लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग थ्री एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू द अबव क्वेश्चन. ये तीन एक्टिविटीज हैं. एक एक्टिविटी यहाँ है, दो एक्टिविटीज आपके बैक साइड पर है. ओके, you have to read it, you have to understand it, because now you are grown up student. बाकी फिर मैं कल आपको ये activities एक बार फिर से explain करूंगी. तब तक आपको इस chapter की reading करनी है और समझना है कि ये क्या है और क्या कह रहे हैं. Okay students, bye.